महासमुंद जिला के सराईपाली से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां सराईपाली के एसडीएम ने वकील के खिलाफ थाना में शिकायत दर्ज कराया है। जानकारी के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी सराईपाली हेमंत नंदनवार ने एक अधिवक्ता खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने, धमकी देने जैसे मामले को लेकर सराईपाली के थाना में FIR दर्ज करा दिया है। एसडीएम ने शिकायत में बताया कि 28 नवंबर को अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में प्रकरण सुनवाई के दौरान अधिवक्ता रणदीप सिंह सलूजा के द्वारा न्यायालयीन कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए पीठासीन अधिकारी से चिल्ला चिल्लाकर ऊंची आवाज में बात की गई और किए जा रहे कार्य को गलत बताकर यह कहा गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको अधिकार नहीं है। इस दौरान एसडीएम ने अधिवक्ता को बताया न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में जो है वही लिखा जा रहा है, परंतु अधिवक्ता लगातार विरोध करते हुए चिल्लाते रहे। एसडीएम के समझाइश के बाद भी वकील रणदीप कहते रहे कि आप सरकारी सेवक हैं, हमारा सुनना पड़ेगा, आपको हमसे हद में रहकर बात करनी चाहिए, अधिकारी हो तो क्या हुआ, आप जैसे बहुत सारे देखे हैं। इस प्रकार से बातें करते हुए अनुविभागीय अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार की गई और बार बार न्यायालयीन कार्य में बाधा उत्पन्न किया गया। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी अधिवक्ता रणदीप सिंह सलूजा के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 186-506 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।